राधे राधे, स्वागत है आप सभी का आपके अपने सुनीता शर्मा चैनल पर। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। और आज प्रिया कुछ बनाने जा रही है और इसने ना काफ़ी तैयारी कर रखी है। मैं अभी भाभी के घर से आई थी तो इसने ना बहुत सारी तैयारी करके रखी है। और क्या बनाने जा रही है जब आज? बन जाएगा तब बताऊंगी। प्रिया, मेरा स्वेटर तो बड़ा मतलब चमक रहा ये दूर वाला जो स्वेटर है ये मम्मी ने खुद बुना है, खुद बनाया अपने हाथों से। मेरा इसे पूरा पूरा नहीं दिखाई दे रहा, पूरा बनाया मैंने, पूरा ऐसे ये लॉन्ग खुद स्वेटर है। बनाया। जैसे कि मैं, पता है मुझे, जब वो होता है ना कि मैं किसी चीज़ में बिजी रहना चाहती हूँ जबकि मुझे बिल्कुल बुनाई नहीं आती। और मैंने ना, एक दीदी है हमारे यहाँ पे, और उनसे ना पूछ पूछ के, उनसे जैसे फंदे वगैरह डलवाए और बाकी सब ये पूछ के कितने करने हैं, घटाने हैं, क्या करने हैं, और मैंने स्वेटर बना के तैयार कर दिया। जो कि सिलाई जो थी ना, पूरी जो सिलाई की थी वो दीदी ने की थी। यहाँ पे दीदी है मेरी, मतलब ननद ननद लगती हैं तो वो हैं, और उन्होंने सिलाई पूरी की थी। बाकी स्वेटर मैंने बनाया था, देखिए बटन वगैरह लगा के। बटन प्रिया खरीद के लाई थी इसके मैचिंग के ना, ब्लैक कलर के, और दूर से बहुत शाइनिंग दे रहा है। आज मैंने यही डाल लिया क्योंकि एक दिन और पहन चुकी हूँ इसको, पहन लिया है मैंने अभी बीच में ना, क्योंकि अभी जैसे कि मेरे ब्लॉग नहीं आ रहे थे और एक ब्लॉग ख़त्म किया मैंने दोपहर में, और ये शाम से ये प्रिया कुछ बनाने जा रही थी तो मैंने सोचा चलिए फिर से अपना ब्लॉग शुरू करते हैं और दिखाते हैं आपको क्या क्या बना रही है और क्या तैयारी करके रखी है इसने। तो मेरे से पीछे ना ये लगी हुई थी और अभी मैं भी आ चुकी हूँ तो टाइम भी बहुत हो रहा होगा प्रिया। 6:30, 6:30 हो रहे हैं, तो उसके बाद में अभी ये दिखाएगी आपको क्या बना रही है और कैसा बनता है वो मैं बताऊंगी फिर बाद में। तो और अभी मुझे भी ना नाम नहीं बता रही क्या बनाना है क्या नहीं बनाना, खुद ही अपना लगी हुई है। मैंने कहा चलो ठीक है, बना लो जो भी अच्छा लगे। तो चलिए अभी दिखाती हूँ मैं आप लोगों को बैक कैमरे से क्या बना रही है आज। देखिए प्रिया क्या बना रही है। प्रिया क्या बना रहे हो? जब बन जाएगा तो बताऊंगी। अभी पहले मैं ये ना चॉकलेट को मेल्ट कर रही हूँ गर्म पानी में, और इसमें ऐसे डबल बॉयलर करके। तो ये देखिए चॉकलेट पूरी तरीके से मेल्ट हो चुकी है। जो कि इसने ना उसमें से निकाली थी, बिस्किट में से, है ना, बिस्किट में से निकाली है ना आप जो। वैसे भी ले सकते हो कैडबरी वगैरह की या फिर कोई और, पर मैंने लेकिन बिस्किट में से इसने निकाल ना दी। एक 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 चीज में से मतलब दो काम कर रही है तो इसीलिए उसमें से निकाल ली। तो ये अभी और फिलहाल हमारी मेल्ट हो चुकी है, तो अब हम इसको साइड में रख देंगे। और ये ये गैस मैंने बंद कर दिया गैस, ये गर्म पानी उसमें मेल्ट किया है इसने। ऊपर से रख के, हाँ और ये देखिए देखिए, पूरी मेल्ट अच्छे हो से चुकी मेल्ट है। हो चुकी है गर्म पानी में बहुत अच्छे से। ठीक है, और अब हम दूसरा काम ये करेंगे। हाँ, अब दूसरा काम करें। और यहाँ पर ना मैंने ये वाला बिस्किट लिया था, और इस वाले बिस्किट को मैंने मतलब क्रीम अलग करके और वो अलग करके ये इसका मतलब पीस लिया मिक्सी इसको में। मिक्सी में पीस लिया है इसने। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डाल के ना इसका एक बैटर बना लूँगी, थोड़ा गाढ़ा सा। तो ये इसमें दूध जाएगा पहले, और वो भी थोड़ा थोड़ा, मतलब हाँ, एक हिसाब साथ से, नहीं एक जाएगा। साथ नहीं डालना है। देखिए इस तरीके से आज पूरा काम प्रिया का है, ये कुछ बना के खिलाएगी मुझे। हाँ बोलो कुछ। आज न्यू ईयर पे कुछ स्पेशल करने के लिए थोड़ा सा, पर ऐसा है बिगड़ भी सकता है लेकिन बन जाता है तो अच्छी बात है। और हम इसको पता है किस चीज़ में बनाएंगे? अब पे स्टैंड में। अब पे स्टैंड में बनाएगी ये, तो देखते हैं कि क्या बन के आता है। इसका नाम भी है कुछ है कि नहीं? नाम बाद में बताऊंगी, बन जाएगा तब। अब पहले ही बता दिया, और नहीं बना तो बेइज्जती हो जाएगी ना। तो इसलिए नाम नहीं बता रही अभी, पहली बार ट्राई कर रही है। और मैं अभी आई वहाँ से तो इसने ना ये सब तैयारी करके रखी थी। इसमें ना ये ऐसे जो लम्स होते हैं ये नहीं होने चाहिए, इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा हाथ से फेंट लो तो अच्छे से हो जाता है ये। देखिए इस तरीके से फेंट लो, और इसको वैसे भी पता है कि मम्मी हर समय फेंटती रहती हैं कुछ ना कुछ तो आता है मुझे। कभी बेसन फेंट रही है, कभी कुछ अब फेंट रही ये है, तो इतना गाढ़ा हो चुका है, ठीक है। अब इसमें हमें मतलब थोड़ा सा और पतला करना है कि ये इतना थिक ना रहे।
और तो हम दो बूंदी पानी डालेंगे, दूध डालेंगे। हाँ, तो दूध तुम्हें गिलास में लेना चाहिए था, इतने से कभी ज्यादा हो जाए फिर फिर बिस्किट और मंगा के और पीस लेंगे। एक बार मैंने ऐसे आटा करा था। हाँ, आटे का वो बनाया था शायद केक। आटा मारा था मैंने। अच्छा, तो मारने में पानी ऊपर हो गया था। वैसे एक तो आधा ही मारा होगा। तो उसमें ना मैंने फिर आटा मिला के, सूखा आटा मिला के इतना सारा आटा मार दिया कि आराम से बहुत सारे लोग खा ले। और वो भी मेरे से बाद में, मैं नहीं थी उस समय, तो इसने ना अभी देखिए ऐसे, मतलब ये वाली इस तरीके से बनाना है, ज्यादा पतला भी नहीं और ज्यादा गाढ़ा भी नहीं। और मुझे लग रहा है कि इसमें दो बूंद और डालना चाहिए। चलो इसको अच्छे से मिक्स कर लो। तो अब इन्होंने ये स्टैंड इस पे रख दिया है गैस पे, और इसमें ना थोड़ा सा ऑयल लगाना है, रिफाइंड ऑयल, बटर, घी, कुछ भी लगा, कुछ भी लगा लो, लेकिन इसमें इसकी वजह से ना चिपकेगा नहीं। तो और इस तरीके से एक एक चम्मच डाल दो ना, तो सब में खुद ही हो जाता है, जैसे हम उसको डालते हैं ना, तो अप्पे भी डालते हैं ना इस तरीके से, तो वो पूरे में आ जाते हैं। इसको इस तरीके से घुमा दो और देखिए। मैं सीख गई हूँ थोड़ा थोड़ा है। हाँ अभी पूरी तरह से ग्रीस हो गया, तो थोड़ा गर्म हो जाने दो इसको। नहीं अभी डाल नहीं है तुरंत। आज तो ऐसे ही शेयर कर देना, फिर बाद में अगर अच्छा बनता है तो फिर अच्छे से शेयर करेंगे और बताएंगे आप लोगों को कैसा बना है। तो ये काम मैं करूं क्या? नहीं, आज खुद ही करना है। इस तरीके से सभी में डाल लो। और ये ना इसने जो क्या है, चॉकलेट जो है वो इसमें बीच में रखनी है थोड़ी थोड़ी, तो दूसरी चम्मच की हेल्प ले थोड़ी सी, तो इस तरीके से इसमें बीच में थोड़ा थोड़ा ना इस तरीके से रखना है। इसी में रख के देख लेते हैं, पहले बना लेते हैं एक में। अभी चॉकलेट ना ये 3-4 में ही डाली है, क्योंकि पहली बार देख रही है, तो इसमें इस तरीके से मतलब करके देख रही है, तो पता नहीं चला, और एक तो ज़्यादा हो गया है इसमें। कोई बात नहीं, लेकिन इसको ना कितना 15 मिनट के लिए ढक के रखना है इसे, 15 मिनट के लिए मीडियम गैस रखनी है। तो इस तरीके से 15 मिनट के लिए, 15 मिनट तो बहुत नहीं हो जाएगा, बीच में चेक कर लेंगे, एक बार बीच में ना। और इनको ना 15 मिनट हो चुके हैं और ये गैस बंद कर दी है, और यहाँ से दो गायब भी हो चुके हैं। और इनको ना अभी ठंडा होने देते हैं, तब दिखाएंगे आपको। इनको ठंडा होने देते हैं, अभी इसी तरीके से रख देना है, ये ठंडा होने के बाद निकालेंगे इसमें से। हाँ, और दो ये गायब कर दिए वो चेक करने के लिए कि ठीक है कि बेकार है। चेक करने के लिए कि मन मानना नहीं था खाए बिना। हाँ, ये भी है, मन भी नहीं मान रहा था। वैसे देखिए ये पक चुके हैं, बस अभी थोड़ा सा ठंडा हो जाएगी, तो हम ठंडे हो जाएंगे ना, निकल जाएंगे आराम से, अच्छे से निकल जाएंगे, और फिर आप लोगों को दिखाएंगे कि कैसे बने हैं। और टेस्ट तो बहुत ही अच्छा है वैसे, क्योंकि प्रिया ने टेस्ट भी कर लिया है एक निकाल के, इसको खुद बनाई है ना चीज़, तो सबर नहीं हो रहा था आज। तो इसलिए अभी दिखाते हैं थोड़ी देर। हाँ, तो ये देखिए ठंडे हो चुके हैं इसके, ये बना चुकी है, जो ऊपर से डाले थे ना वो देखो, ये दिखाई दे रहे हैं। और इनमें क्या किया था देखो, अभी मैं तोड़ के दिखाऊंगी। इसमें मैंने उसकी ना बाद में मैंने गोली बना के, क्योंकि वो ठंडा हो गया था ना, तो उसके आराम से ना अच्छे से गोलियां बन गई थी ये वालों की। और इनमें दिखाऊंगी कि बनाने इसी तरीके से हैं, लेकिन वो शुरू में ना जैसे पतला हो गया था, तो वो इस तरीके से रखा। और देखिए
देखिए कितने अच्छे से आ रहा है ना, देखो। ये अब मैं नाम बता देती हूँ, ये मैंने बनाया था आज, मिनी चोको लावा। मिनी चोको लावा केक होता है ना वही, तो ये हाँ देखिए निकल रही है ना इसमें से, देखिए, और कितनी अच्छी लग रही है, ये आप लोग भी खा लीजिए। और अच्छा लग रहा है क्योंकि ये टेस्ट कर चुकी है पहले, और ये लगी हुई है अपना खाने में, बहुत टेस्ट से खानी है। अच्छा बना ना, हाँ बहुत टेस्टी बने छोटे हैं। बच्चों को ऐसे बहलाया जा सकता है अच्छा घर पर। हाँ, क्या नाम है, चोकोलावा। अच्छा मिनी चोको लावा, मतलब ये मैंने अपने स्टैंड में बनाया ना, क्योंकि छोटे छोटे हैं हाँ, तो तो मिनी हो। इसलिए। और आप लोग ना अगर बनाना चाहें, जैसे बड़े भी बनाना चाहें, तो कुकर में पानी रख के कटोरी में बैटर डाल के उसके अंदर चॉकलेट डाल के फिर ऊपर से वो डाल के, कभी प्रॉपर रेसिपी देंगे फिर बाद में ना, अभी तो ट्राई अभी कर रहे थे अभी ट्राई करी थी तो इसलिए इसने पर देखा, अच्छे बने। लेकिन टेस्ट अच्छा है, बढ़िया, अच्छा बनाया टेस्ट, क्योंकि इसको पसंद आ गया तो फिर समझो कि सबको पसंद आ गया है ना। अच्छा बने। वैसे इसने पता है मुझे भी नहीं बताया था कि क्या बनाना है, बस कुछ बना ये रही हूँ देखिए कुछ कितनी बना। अच्छी शेप लग रही है ना, कैसे गोलगप्पे सी एक बार में पूरा, लेकिन आप इसको तोड़ के देखेंगे ना तो इसमें से चॉकलेट ऐसे मेल्ट हो रही है, तो वो चीज़ अच्छी लग रही है। हाँ, और ये चीज, चौकुलावा ऐसा ही होता है हाँ ना क्योंकि केक। ये चीज़ ना बाद में की थी, क्योंकि थोड़ा सा ना वो मतलब जो चॉकलेट थी ना वो पहले मेल्ट कर दी तो ज़्यादा पतली सी हो गई और थी, इसको लेकिन थोड़ी ना देर रख दी थी ना तो हमने फिर उसी में बीच में गोले बना के बीच में रख दिए, तो बैटर में अंदर चली गई ना तो बिल्कुल अच्छे से हो गई फिर। इसको ऊपर से डेकोरेट भी कर सकते हैं चॉकलेट से या चॉको चिप से, तो और अच्छा लगे, वरना ऐसे भी अच्छा है बच्चों के लिए तो बहुत ऐसे ही अच्छे हैं एक साथ वो। गोलगप्पे की तरह पूरा खा जाना, हाँ तो बहुत अच्छे लग रहा तो है ज़रूर देख, ट्राई और करना। देखने में भी बहुत अच्छे लग रहे तो हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई करके देखना, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, और वीडियो को पूरा देखना। क्योंकि आज प्रिया ने बहुत मेहनत की है। इसने ही किया है पूरा, क्योंकि आज तो वो ना मेहनत। ऐसे होता है कभी कभी मेरा मन कराता है ना, तो फिर मैं बना लेती हाँ हूँ। अगर मैं बोलूँगी तो नहीं करोगी और वैसे भी ना। ऐसी चीज़ें, वो नहीं कि रोटी सब्जी वगैरह, मतलब हाँ थोड़ी ऐसी चीज़ें जो मेरे टाइप की होती हैं बच्चों के हाँ खाने वाली। हाँ तो आज इसने कुछ किया सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को तुरंत अभी, पहले सब्सक्राइब कर दें उसके बाद मैं आगे देखूंगी। तो मैं अपने लिए चाय बना के लाई हूँ और मैं चाय पीऊँगी, क्योंकि थोड़ी सी ठंड हो रही थी जब रास्ते में आई ना मैं तो, बहुत ठंड हो रही थी, लेकिन ये प्रिया ने ना बीच में थोड़ा सा काम काम कर रही थी, कुछ बनाया इसने तो फिर वहाँ पे हो गई। और वहाँ पे ना पूजा चल रही है, कई दिन से पूजा चल रही है, आज पूजा ना लास्ट हो गई, गरुड़ पुराण जो चलता है ना वो चल रहा था, तो कई दिन से मैं मतलब उसी में सुनने जा रही थी, वहाँ पे वहाँ पे भैया के घर भैया के घर पे, भैया के घर पे गरुड़ पुराण चल रहा है तो उसकी पूजा चल रही थी, आज लास्ट हो गई, तो आज अभी लेट ही ख़त्म हुआ है, 5:30 बजे ख़त्म हुआ है, तो 5:30 पौने 6 के करीब तो आके मैंने कपड़े वपड़े चेंज करी करे और फिर इसने लगा लिया किचन में, तो किचन में भी बनाने के बाद में, और अब मैं चाय लेके आई हूँ, बन चुके हैं उसके जो कि आप लोगों ने देखे, इसने क्या बनाया मुझे तो नाम भी याद नहीं मिनी रहता। चोकोलावा। मिनी चोकोलावा तो इसने वो बनाया, तो बताना क्या बनाया। मिनी चोकोलावा हाँ नेक्स्ट तो अच्छा बनाया इसका, जो कि इसने टेस्ट कर लिया अभी ना इसने। टाइम बना, आज इस बार फर्स्ट टाइम था तो थोड़ा सा उसमें वो हो गया ध्यान, वो नहीं रहता ना कि अब नेक्स्ट टाइम होगा तो उसमें थोड़ा चॉकलेट और ये सारी चीज़ें लेकर थोड़ा अच्छे से बनेगा। तो वैसे ये भी अच्छा लग रहा है, बुरा नहीं लग रहा, लेकिन उसमें और थोड़ा सा टेस्ट लाने के लिए। टेस्ट लाने के लिए और बाकी आप लोगों को जैसे दिखाने के लिए, इसने कुछ भी नहीं दिखाया, जैसे नहीं, कि बिस्किट वगैरह जो थे वो भी, जबकि मैंने बोला था इससे अगर कुछ बनाए तो वीडियो बना लेना, लेकिन ये इसने नहीं बना के दिया, इसने सारे काम ना खुद करके रखे, वो पीस पास के रखा ना, पीसा जैसे मिक्सी में पीसा था ना, मिक्सी में पीस लिया वो बिस्किट, बिस्किट पीसे और बाकी क्रीम, उसकी क्रीम जो, निकाल ली, हाँ चॉकलेट तो आपने देखी कि वो किस तरीके से मेल्ट की थी इसने, और चॉकलेट घर पर थी नहीं
और मैंने मंगाई नहीं, तो मैंने सोचा कि इसी की चॉकलेट को चॉकलेट बना लेते हैं। वो तो इसकी मम्मी जैसी आदत है कि मतलब जो घर पे होता है ना उसी में। बाकी बिस्किट को आप क्रीम के साथ पीसोगे तो उसका और अलग टेस्ट आएगा। हाँ हाँ, तो क्रीम के साथ थोड़ी डार्क चॉकलेट में आ जाती है, तो उसका मतलब दोनों का मिक्स होकर टेस्ट आता है। हाँ, और बिस्किट आप मतलब जो भी आपको पसंद हो क्रीम वाले, जैसे मैंने बार बन लिए थे, तो आप ओरियो या फिर कोई और बिस्किट भी ले सकते हैं। अभी परांशु ने टेस्ट नहीं किया, वो है नहीं अभी। ज़रूर बना के ज़रूर ट्राई करना और ज़रूर बताना कि मतलब कैसा लगा। कैसा लगा। और अपना चाय पी लेती हूँ, आप लोग भी चाय पी लीजिए मेरे साथ में। चाय बना के लाई हूँ गरम गरम, क्योंकि मुझे ठंड लग रही थी। और मैं बार बार ना कैमरे में ना अपना स्वेटर देख रही हूँ कि क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा लाइट कलर है, इसका जो क्रीम वाला कलर है ना ये बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है इसमें, मतलब कैमरे में बहुत ज़्यादा एकदम ना आँखों में वो हो रहा है। कैसा लग रहा है? बढ़िया। तो पिछली साल बनाया था मम्मी ने, इस साल पहना है। पिछली है ना, मतलब दो साल पहले बनाया है, क्योंकि दो साल और पहना इस बार ही है, फर्स्ट टाइम पहना इस बार ही है मैंने। उस बार थोड़ा सा पहना होगा शायद, तो ऐसे ही चेक करके और फिर रख दिया। और इस बार तो जैसे मैं कपड़े वपड़े निकाल के लाई ना गर्म, तो मुझे याद आ गया कि अरे ये स्वेटर भी रखा हुआ है। और ये भी उस समय बनाया था, जैसे कि मैंने बताया ना कि मैं बहुत मतलब बिजी रहना चाहती थी, कुछ किसी काम में अपना मतलब थोड़ा सा ध्यान बटाऊँ, तो ये बनाया था। और भी पता नहीं क्या क्या बनाया था। एक स्वेटर प्रिया का भी है, हाफ है इसकी, हाफ जैकेट है इसकी जो कि ब्लू और वाइट है साथ। हाँ, इसने कभी पहनी नहीं है। और पता है ये ना कपड़ों से तो बहुत ज़्यादा बचती है, और ये एक जैकेट है इसको ना बहुत ही घिसती रहेगी। दो जैकेट निकाल रखी है, देख एक तो कहाँ डाली है, देख कैमरे में दिख रही है, देखो कहाँ डाल रखी है इसने, कि वहाँ पे ये चेंज करके गई होगी शायद वहाँ पे, तो इसलिए ना उसे वहाँ पे रख गई है। देखो बैड मेरे कपड़े निकाल के ही नहीं लेकर आ रही है। हाँ, निकाल ही नहीं, बोल रही है कि नहीं पहन ले। हाँ, इन्हें ही पहन ले, तो मुझे डेली यही जैकेट पहननी पड़ती है। इसे धुलवा लेती हूँ तो वो वाली पहन लेती हूँ, वो धुलवा लेती हूँ तो इसे पहन लेती हूँ। और इससे ना कई दिन से बोल रही हूँ, मैंने कहा स्वेटर वगैरह निकाल ले, कई सारे स्वेटर रखे हैं, लेकिन निकाल के ही नहीं देती मम्मी, नहीं निकाल के देती। तो तुझे आलस है ना, तुझे पहनना नहीं है, तो फिर मुझे कहीं जाना नहीं होता तो मुझे पहनना नहीं होता घर में, तो मैं कुछ मैं तो अभी थोड़ा सा बिजी चल रही हूँ। सबको पता है कि मैं थोड़ा सा बिजी चल रही हूँ, क्योंकि भैया के घर जाती हूँ उधर, तो थोड़ा सा मम्मी सुबह हमें भी टाइम नहीं देती। सुबह उठती हैं, खाती हैं, फिर खाना वाना तैयारी करती हैं, और उसके बाद फिर जल्दी से खाना बना के खिला के चली जाती हैं, फिर शाम को आती हैं, फिर शाम को आके फिर खाना वाना बनाती हैं, फिर हम खा के सो जाते हैं। हाँ, तो अभी थोड़ा सा पूजा वगैरह चल रही है, और कल से संडे है, जैसे कि कल पे वहाँ पे जो भी मतलब सारे काम हो जाएंगे। हाँ, मतलब जो होते हैं लास्ट में अष्टमी होते हैं, मतलब कल ख़त्म हो जाएगा सब कुछ। ये चीज़ें ना अच्छी नहीं लगती है, अगर कोई बड़े होते हैं तो उनका अच्छे से लगता है, लेकिन अभी नहीं हो रहा, अच्छा नहीं लगता मतलब। और वैसे यहाँ पे ना बिल्कुल अलग होता है, जैसे कि खाना पीना ना, वो जो ब्राह्मण वगैरह पंडित आएंगे उनके लिए खाना बिल्कुल अलग आएगा, हलवाई से वो हलवाई बनाएंगे, मतलब उन्हीं के यहाँ पे बन के और वहाँ से आ जाएगा। और बाकी देखो रिश्तेदार भी आते हैं, लेकिन कोई ये है ना कि सब खाना नहीं चाहते कि भई हमारा ये है वो है, हमें ही मन नहीं करता कि भई हम खाएंगे अपने भाई का, तो इस तरीके से तो मन नहीं करता किसी चीज़ का ना, इस चीज़ का तो बिल्कुल भी मन नहीं करता। तो इसलिए ना हलवाई घर पे अलग से लगाया है, और बाकी वहाँ से आएगा खाना। तो लेकिन देखिए ऐसे में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता किसी को भी नहीं, मुझे तो अभी भी रोना आ जाएगा अगर मैं आप लोगों से अभी बात करूँगी ना। मैं बहुत ध्यान बटाने की कोशिश करती हूँ अपनी ना। तो चलिए, वैसे भी अभी पूजा में से आ रही हूँ मैं, तो पूजा सुनती हूँ मैं, रोज़ सुनती हूँ, क्यों गैप नहीं किया मैंने। मैंने कहा भाई सुननी चाहिए, कुछ ज्ञान तो मिलता है, क्योंकि अभी ऐसा ना कहीं और तो जा नहीं सकते, तो वो है ना भैया के घर हो रहा तो आराम से सुन लेते हैं बैठ के, तो इसलिए सुनती हूँ। और फिर इनको भी बताती हूँ, कुछ ज्ञान जो होता है इनको भी देती हूँ, जैसे कोई अच्छी चीज़ होती है, काफ़ी देखो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं, हर चीज़ में होती हैं वो, तो किसी भी चीज़ में आप रामायण लेके बैठ जाओ या कुछ भी जो भी होता है, तो उसमें कुछ ना कुछ ज्ञान ही मिलता है हमें,
तो चलिए फिर इस वीडियो का भी मैं यहीं पर एंड करूँगी, क्योंकि इस वीडियो फिर बहुत बड़ा हो जाएगा। और आज और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, तुम ही कर दो। तो चलिए इस वीडियो का हम यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे कल एक अच्छी सी वीडियो के साथ में। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और बिल्कुल भी ना भूलें लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, और जरूर कर दें प्लीज़। बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन होती है अगर नहीं करते हैं तो। और आज प्रिया के लिए कमेंट जरूर करना, क्योंकि प्रिया ने कुछ मेहनत की है, तो आगे आने वाली वीडियो में प्रिया दिखा करेगी, जो कि कुछ कुछ बना के दिखाएगी आप लोगों को, आप लोगों के लिए। ये क्या बात होती है, मतलब आज नहीं, बना दिया तो अब मतलब ये बात नहीं करनी। जो तेरे जो तेरे को अच्छे से आता है वो चीज़ दिखाना, एक आध चीज़ दिखाना, जो कि बहुत चीज़ें ना ये बना लेती है। तो क्या बनाती है वैसे पता है, अभी वीडियो का एंड हो रहा था। चलिए वीडियो का एंड करते, फिर बताएंगे क्या बनाती है। चलिए फिर, बाय बाय।